हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी शारीरिक चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें 400 से 500 क्वेश्चन है वन लाइनर, जो 2-3 पार्ट में होंगे। जैसा कि मैं आप जानते हैं, मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज हैं, सभी टॉपिक पर चैप्टर वाइज थ्योरी वीडियोज बनाए गए हैं। और सभी थ्योरी वीडियोज को आप एक बार जरूर देख लीजिए चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके। उसके बाद प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज क्वेश्चन सभी डिटेल में दिए गए हैं, और मैं आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करा भी रही हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ बेहतरीन तरह तैयारी के लिए, एंड जो टॉपिक अभी बचे हुए हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। और चाहे आप TGT, PGT, KVS, NVS, UPTGT, PGT, चाहे MP, TET किसी चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। सभी चीज़ें आपको यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप बाई स्टेप मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, स्पोर्ट्स मेडिसिन नामक शब्द कब आया। तो जो शब्द है स्पोर्ट्स मेडिसिन, यह सबसे पहले आया 1928 शीतकालीन ओलंपिक में। ठीक है, 1928 शीतकालीन ओलंपिक में। नेक्स्ट है FIMS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक खेलों में डोप टेस्ट शुरू किया गया। तो दोस्तों, किस ओलंपिक खेलों में डोप टेस्ट शुरू किया गया? तो 1968 मैक्सिको ओलंपिक में, 1968 मैक्सिको ओलंपिक में डोप टेस्ट शुरू किया गया, जिसमें स्वीडन के पेंटाथलेट गुनर लेंजे वाल जो है वह पॉजिटिव पाए गए थे। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में डोपिंग का पहला केस पाया गया। तो दोस्तों, किस ओलंपिक में पाया गया? तो वह था 1960 रोम ओलंपिक। 1960 रोम ओलंपिक में डोपिंग का पहला केस पाया गया, जिसमें डेनमार्क का रोड साइकिलिस्ट जो था उसका नाम था न्यूड एनमार्क जॉनसन। वह स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद मृत पाया गया, क्योंकि वह रोनिकल और एम्फेटामाइन जैसे पदार्थ ले लिया था, जो अधिक ले लिया था, जो सहनशीलता को बढ़ाती है। नेक्स्ट है, AISM का फुल फॉर्म क्या है। तो AISM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन स्पोर्ट्स मेडिसिन। नेक्स्ट है दोस्तों, कि एथलेटिक ट्राइंगल से क्या तात्पर्य है। तो एथलेटिक ट्राइंगल से तात्पर्य है एथलेटिक कोच तथा पेरेंट्स। क्या है? एथलेटिक कोच तथा पेरेंट्स। नेक्स्ट है, किसी एक खिलाड़ी को अगर हृदय गति नापनी है तो कैसे मापी जाती है। तो किसी एक खिलाड़ी का यदि हृदय गति मापना है तो पहले 6 सेकेंड की हृदय गति निकाल कर उसको 10 से गुणा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, 100 डिग्री फॉरेनहाइट में कितने सेंटीग्रेड होंगे। तो 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जैसा कि दोस्तों, हमारे शरीर का सामान्य तापमान अगर फॉरेनहाइट में बोले तो 98.6 फॉरेनहाइट, एंड सेंटीग्रेड में बोले तो हमारे शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है, अवधि के आधार पर चोटों को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो 3 प्रकार में बांटा गया है अवधि के आधार पर।
तो कौन कौन से अवधि के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों, उसको बांटा गया है एक्यूट, पोस्ट एक्यूट और क्रोनिक इंजरी। तो जो 0 से 12 घंटे के अंदर की जो चोटें, तुरंत की चोटें होती हैं उसे एक्यूट इंजरी कहते हैं, और जो 12 से 48 घंटे तक के होती हैं उसे पोस्ट एक्यूट इंजरी कहते हैं, एंड जो 48 घंटे की ज़्यादा की चोटें होती हैं यानी पुरानी चोटें हो गई तो उसको कहते हैं क्रोनिक इंजरी। नेक्स्ट है, प्रकृति के आधार पर चोटों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों दो प्रकार से, दो भागों में बांटा गया है इसको, ये ध्यान में दीजिएगा, प्रकृति के आधार पर। एक है खेलों की प्रकृति के आधार पर, खेलों की प्रकृति के आधार पर चोटों को दो भागों में बांटा गया है, माइक्रोटामा और माइक्रोटामा। माइक्रोटामा में अचानक जोर से लगने वाली चोटें, जैसे कि जिम्नास्टिक में, पैरल बार में, हॉरिजॉन्टल में, तो अभ्यास करते समय हॉकी क्रिकेट में बॉल लग जाना, स्प्रेन, स्ट्रेन, कॉन्ट्यूजन, इस प्रकार की चोटें एक्यूट इंजरी इसमें आती हैं। एंड माइक्रोटामा में बार बार लगने वाली यानी ओवर यूज चोटें आती हैं, जैसे स्ट्रेस फ्रैक्चर, एचिलीज टेंडनाइटिस, इंटीरियर लेग पेन, ये सभी आती हैं। और चोट की प्रकृति के आधार पर एक्जोजेनस एंड इंडोजेनस यानी आंतरिक और वह दो प्रकार में बांटा गया है। नेक्स्ट है, खेल के दौरान चोटों से बचने के सिद्धांतों में सबसे अहम सिद्धांत कौन सा है। तो खेल के दौरान चोटों से बचने के लिए फिटनेस सबसे अहम सिद्धांत है। अगर यदि आपका फिटनेस लेवल सही होगा तो चोट उतना नहीं आएगा। नेक्स्ट है, खेल के दौरान चोट लगने पर उपचार के रूप में रूल ऑफ थंब किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कोई भी खेल लग गया, चोट लग गया, तो उसके लिए प्राथमिक उपचार के लिए राइस 4 स्टेप होते हैं, तो उस रूल ऑफ थंब को बोला जाता है राइस। क्या बोला जाता है? राइस। राइस का मतलब दोस्तों होता है कि सबसे पहले इसमें आर का मतलब है रेस्ट, आइस से मतलब है आइस यानी बर्फ का प्रयोग करना, सी से मतलब है कंप्रेशन यानी कि दबाना, यानी चोटिल जहाँ पे चोट लगा है वहाँ से पहले भाग को हृदय की तरफ वाले भाग की तरफ दबाना, एंड ई से तात्पर्य है इलेवेशन यानी चोटिल भाग को हृदय के ऊंचाई से ऊपर उठाना। तो दोस्तों इसको आर आई सी ई बोला जाता है, लेकिन अब इसके आर आई सी ई के पहले पी और लास्ट में एस जुड़ गया है यानी कि पी आर आई सी एस, प्राइसेस। तो रूल ऑफ थंब किसे कहा जाता है? राइस सिद्धांत को कहा जाता है। नेक्स्ट है, चोट लगने पर चोट लगे अंग पर सूजन व दर्द कम करने के लिए जो बैंडेज बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है टार्नी क्विक बैंडेज। नेक्स्ट है, डायफ्राम मांसपेशी में अगर क्रैम्प आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम स्टिच कहते हैं। एकाएक पेट के, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दौड़ते समय अचानक से पेट के ऊपरी हिस्से में तीखा दर्द, तो क्या कहते हैं उसको? स्टिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पे कि एक खिलाड़ी को दौड़ते वक्त अचानक पेट के ऊपरी हिस्सों में तीखा दर्द हो तो किसकी संभावना है, तो क्या होता है वहां पे, उसको बोला जाता है स्टिच। नेक्स्ट है, स्ट्रेन किसे कहते हैं। तो यह मांसपेशी तथा टेंडन की वह चोट होती है जो अचानक से अत्यधिक खिंच जाए या टूट जाए। तो जब भी स्ट्रेनम, इसको मैं कई बार बताई हूँ, स्ट्रेनम मतलब मांसपेशी टेंडन की चोट,
स्ट्रेन और लास्ट में मॉ, मॉ से आप याद करिएगा मांसपेशी टेंडन की जोड़। स्प्रेनली, स्प्रेनली मतलब स्प्रेन लिगामेंट के अधिक खिंच जाने और टूटने से होता है। नेक्स्ट है मांसपेशी तथा मांसपेशियों के समूह के तंतु का अनैच्छिक रूप से संकुचित होने को क्या कहते हैं, तो इसको क्रैम्प बोला जाता है। नेक्स्ट है मांसपेशी या टेंडन की वह चोट जिसमें मांसपेशी या टेंडन अधिक बल के साथ खिंच जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मसल्स पुल। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि मसल्स पुल जब आएगा जहाँ पे बलपूर्वक खींचने की बात हो मांसपेशी टेंडन की, वहाँ मसल्स पुल होगा, और जहाँ पे अत्यधिक खींच जाने के मांसपेशी या टेंडन के अत्यधिक खींच जाने की बात होगा तो वहाँ पे स्ट्रेन होगा, लेकिन बलपूर्वक खींचने की बात कहेगा तो वहाँ पे मसल्स पुल होगा। नेक्स्ट है लिगामेंट के अधिक अधिकतम सीमा से अधिक खींच जाना या लिगामेंट का टूट जाना क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है स्प्रेन यानी कि मोच। तो लिगामेंट अत्यधिक खींच जाना स्प्रेन, मांसपेशी या टेंडन का अधिक खींच जाना स्ट्रेन, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है टेंडन के तंतु यानी फाइबर के अचानक से खींच जाने के कारण उसमें सूजन आने को क्या कहते हैं, तो जो हमारे मांसपेशी टेंडन जोड़ों पर जुड़ी रहती है कंकाल पेशियों से, तो जो वहाँ पे अचानक से खींच जाने के कारण उसमें सूजन आ जाए जोड़ों के आसपास, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं टेंडनाइटिस। नेक्स्ट है खेल के दौरान किसी से टकरा जाने पर या किसी उपकरण के जोर के प्रहार से मांसपेशी में सूजन तथा रक्त का जम जाने को क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है दोस्तों गुंबड़ यानी कि कांट यूजन। जैसे कि ये आम चोटें हैं, ये लगता रहता है खेल के दौरान किसी ऐसे वस्तु से टकरा जाना या उपकरण से टकरा जाना जिससे मांसपेशी सूजन और रक्त में जम जाने यानी नीला पड़ जाता है, यानी इसको गुम चोट भी कहते हैं, भीतरी चोट भी कहते हैं, फूटता नहीं है खाली नीला पड़ जाता है, जैसे कि आप देखते होंगे कई बार। नेक्स्ट है जोड़ की वह चोट जिसमें कोई इकट कोई हड्डी ज्वाइंट के पूर्व स्थिति से अलग हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो जोड़ की वह चोट दोस्तों जिसमें कोई हड्डी ज्वाइंट जो हमारा जुड़ाव है वहीं से अलग हो जाए, तो उसको डिसलोकेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिसलोकेशन। जैसे इस यह हमेशा जोड़ों पर देखा जाता है, जैसे हमारे कंधे में सबसे ज्यादा देखा जाता है डिसलोकेशन, और जूडो वाले खेल में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाइंट के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ भरे स्थान के पास सूजन आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों ज्वाइंट के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ भरे स्थान में अगर सूजन जलन होने लगे उसे हम कहते हैं साइनोवाइटिस। क्या कहते हैं, साइनोवाइटिस। वहीं पे जोड़ के आसपास टेंडन में ऐसा आज हो तो उसको कहते हैं टेंडनाइटिस, और साइनोवियल क्षेत्र में हो ज्वाइंट के तो उसको कहते हैं साइनोवाइटिस। नेक्स्ट है किसी हड्डी के पूरी तरह अथवा अधूरे रूप से टूट जाने को कहते हैं फ्रैक्चर। क्या कहते हैं, फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं, तो दोस्तों शरीर में किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को हेमाटोमा बोला जाता है। नेक्स्ट है चमड़ी या मांसपेशी का कट जाना क्या कहलाता है, तो कट जाना कहलाता है लेसरेशन, कट लग जाना लेसरेशन। नेक्स्ट है चमड़ी पर रगड़ लग जाने को क्या कहते हैं, जैसे ये आम चोटें होती रहती है प्रतिदिन लगती रहती है छोटे छोटे चीजों से, तो ये उसको कहते हैं एब्रेशन, खाली रगड़ लग जाता है। नेक्स्ट है चोट के पश्चात पुनः स्थापन यानी पुनः अनुकूलन सिद्धांतों में SAID से क्या तात्पर्य है,
यहाँ SAID से तात्पर्य है स्पेसिफिक एडाप्टेशन टू इम्पोज डिमांड्स। नेक्स्ट है वाडा का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जैसे कि वाडा की स्थापना कब हुआ था, 10 नवंबर 1999 में स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में वाडा की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कनाडा मॉन्ट्रियल शहर में है और वर्तमान अध्यक्ष बिटोल्ड बांका है। वहीं पे हम भारत में बात करें तो नाडा जिसे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बोलती है, इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली है। तो वाडा और नाडा में कुछ पूछ सकता है, वाडा के वर्तमान अध्यक्ष हैं बिटोल्ड बांका, ये ध्यान में रखिएगा। ये वाडा जो है पूरे विश्व में डोपिंग कि जो भी क्रियाकलाप है उसको देखता है और भारत में नाडा देखता है। नेक्स्ट है ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से खिलाड़ी कुछ विशेष दवाओं का सेवन कर अपने प्रदर्शन को बेहतरीन करने का प्रयास करता है, यानी कि ऐसी विधि जिससे खिलाड़ी कुछ विशेष दवाओं का प्रयोग करके अपने प्रदर्शन को बेहतरीन करने का प्रयास करता है गलत तरीकों से, तो उसे हम डोपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डोपिंग के परीक्षण के लिए शरीर के किस चीज का नमूना लिया जाता है, तो मूत्र का नमूना लिया जाता है। नेक्स्ट है उस फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं जिसमें हड्डी टूटने के साथ साथ शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों में क्षति पहुंचाती है, तो दोस्तों इसको जटिल अस्थि भंग या कॉम्प्लिकेटेड अस्थि फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट वे साधन व प्रक्रिया जिससे खिलाड़ी की क्षमता और प्रदर्शन में सुधार होता है, तो उसको बोला जाता है एर्गोजेनिक एड्स। क्या बोला जाता है, एर्गोजेनिक एड्स। दोस्तों आप एर्गोजेनिक एड्स और डोपिंग में अंतर समझिएगा, क्योंकि दोस्तों एर्गोजेनिक एड्स को पेशी प्रभावी साधन बोला जाता है, तो वो एक गलत तरीका जो बाहरी पदार्थों को ले करके अपने खेल को प्रदर्शन को बढ़ाना वो डोपिंग कहलाता है। लेकिन वो एक जेन्युइन तरीका, अच्छे तरीका जो वे साधन और प्रक्रिया जिससे खिलाड़ी की क्षमता और प्रदर्शन में सुधार हो, कोई भी साधन हो, वो एर्गोजेनिक एड्स बोला जाता है। और एर्गोजेनिक एड्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल एड यानी पोषणात्मक साधन, फिजियोलॉजिकल एड यानी कि शारीरिक क्रियात्मक साधन, और मनोवैज्ञानिक साध्य यानी कि साइकोलॉजिकल एड्स, एंड यांत्रिक साध्य मैकेनिकल एड्स, औषधि साध्य फार्माकोलॉजिकल एड्स। तो जैसे पोषण साध्य में हो गया विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि को अच्छी मात्रा लेकर के अपने परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना, सारी क्रियाकलाप व्यायाम वगैरह करके, मनोवैज्ञानिक यानी किसी को उत्साह बढ़ा करके, यांत्रिक यानी कि तुम्हारा जूता कैसा है, या जो आप पोशाक पहने हैं या जो उपकरण है ये सब कैसा है, ये यांत्रिक में आ जाता है। तो यही सब है आपके एर्गोजेनिक एड्स में। नेक्स्ट है वह कौन सा अस्थि भंग होता है जिसमें हड्डी टूटती नहीं है बल्कि मुड़ जाती है, तो ये छोटे बच्चों में ज्यादातर होता है, इसे हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है वह कौन सा अस्थि भंग है जिसमें खोपड़ी की हड्डी टूटकर अंदर घुस जाती है, तो उसे हम डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं। ऐसे तो हड्डी टूट करके कोमल अंगों में घुस जाती है उसे कॉम्प्लिकेटेड या जटिल अस्थि भंग कहते हैं, लेकिन यही चीज खोपड़ी में हो तो उसे डिप्रेस्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों घाव कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 4 प्रकार के होते हैं। इसका सूत्र है दोस्तों पीला, PILA, पीला। पीला का मतलब होता है पी से पंचर, आई से इंसीजर, एंड एल से लेसरेशन, ए से एब्रेशन। एब्रेशन में क्या होता है कि छिल जाता है, रगड़ लग जाता है। लेसरेशन में क्या होता है कि
कट लग जाता है और खून बहने की संभावना रहती है। और इंसीजर में आपका नुकीली वस्तु से, पंचर में क्या होता है कि नुकीली वस्तु से छेद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति हुई। तो खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति जो है यूनान में हुई और खेल चिकित्सा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट है, खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा में चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करने का सबसे पहले श्रेय जाता है हिप्पोक्रेटस को, जिन्हें चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा में खेल चिकित्सा का कार्य होता है। तो इसका कार्य खेल से पूर्व भी होता है, प्रशिक्षण के दौरान समय भी होता है, प्रतियोगिता के दौरान भी होता है, ठीक है। तो हर समय चोट लग सकती है, इसलिए हर समय होना चाहिए। खेल चिकित्सा संबंध है खिलाड़ियों के किसे, उसके बचाव में, स्वास्थ्य की देखभाल में, ठीक है। इसीलिए तो खेल चिकित्सा का पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, खेल चिकित्सा दल में शामिल होते हैं। तो इसमें सामान्य शिक्षक चिकित्सक भी, कायिक चिकित्सक भी, शल्य चिकित्सक भी, सभी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, खेल चिकित्सा परिचित होता है। तो जो खेल चिकित्सक होता है वो सामान्य चिकित्सक के सिद्धांतों से, आहार कैसे कार्य करता है कार्य चिकित्सक के सिद्धांतों से, एंड खेल स्वास्थ्य विज्ञान के सिद्धांतों से, सभी चीजों से खेल चिकित्सा परिचित होता है। नेक्स्ट है, खेल चिकित्सा कांग्रेस का गठन कहाँ किया गया। तो खेल चिकित्सा कांग्रेस का गठन किया गया सेंट मोरिज स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, उस प्रशिक्षक का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसमें अभ्यास भिन्न भिन्न अवधि, भिन्न भिन्न तीव्रता के आधार पर किया जाता है। तो उसे कहते हैं पिरामिड ट्रेनिंग, ठीक। यानी कि उस प्रशिक्षक का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसमें अभ्यास भिन्न भिन्न अवधि या भिन्न भिन्न तीव्रता पर किया जाता है, तो वो होता है पिरामिड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है, उस प्रशिक्षक को क्या कहते हैं जिसमें उच्च तीव्रता के बराबर या प्रतियोगिता के स्तर के बराबर स्ट्रेस दिया जाता है, तो उसे कहते हैं टेम्पोल ऑफ ट्रेनिंग। क्या कहते हैं? टेम्पोल ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट है, पिरामिड ट्रेनिंग को शुरू करने का श्रेय किस देश के लंबी दूरी के धावकों को प्राप्त किया, किस देश के धावकों ने प्राप्त किया पिरामिड ट्रेनिंग को शुरू करने का श्रेय? तो वह है रशियंस ने, रशिया के लोगों ने। नेक्स्ट है, कॉन्टिन्यूस रिले ट्रेनिंग तकनीक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो कॉन्टिन्यूस रिले ट्रेनिंग तकनीक को दूसरे फेरालफ ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रशिक्षक को क्या कहते हैं जिसमें अधिकतम ताप पर ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसे हीट ट्रेनिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है, एक धावक द्वारा मांसपेशीय पीड़ा, मांसपेशीय सूजन तथा मांसपेशीय संकुचन के दौरान स्ट्रेच होने की स्थिति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जहां पे भी मांसपेशीय पीड़ा शब्द आ जाए या दर्द सहित कार्य आए, यानी कि दर्द पीड़ा शब्द वहां पे आना कम बसी, तो वहां पे होगा मसल सोरनेस, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मांसपेशी में एक अधिकतम सीमा से भी अधिक तनाव आ जाए या खिंच जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो अभी मैं जस्ट बताई थी इससे पहले कि जहाँ वे बलपूर्वक खींचने की बात आए, और यहाँ तो यहाँ पे बलपूर्वक खींचने की बात हो रही है, तो वहाँ पे मसल्स पुल होगा। देखिए, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए कि मांसपेशी में एक अधिकतम सीमा से भी अधिक, यानी कि बलपूर्वक बोला जा रहा है, तनाव आ जाए या खिंच जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, मसल्स पुल। वहीं पर रहता है कि मांसपेशी में एक अधिकतर सीमा से अधिक तनाव आ जाए, तो उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। तो यहाँ पे बोल दिया से भी अधिक, यानी बलपूर्वक खींचने की बात बोल रहे हैं, तो मसल्स पुल होगा। नेक्स्ट है, कोहनी का हड्डी से जुड़ी मांसपेशियों में अत्यधिक स्ट्रेच आ जाए ओवर यूज के कारण, तो इस चोट को हम क्या कहते हैं। तो कोहनी, जो हमारे हाथ की कोहनी है, एल्बो है, उसमें
उससे हड्डी से जुड़ी मांसपेशियों में स्ट्रेच आ जाए ओवर यूज के कारण यानी बार बार उपयोग के कारण, तो उससे हम कहते हैं टेनिस एल्बो। नेक्स्ट है, किस शारीरिक क्रिया को करते समय मांसपेशियों में क्रैम्प आने के कारण क्या होते हैं? तो कोई भी आप शारीरिक क्रिया कर सकते हैं तो आपके मांसपेशियों में एकाएक क्रैम्प आ जाता है, ऐठन आ जाता है, तो किस कारण से होता है? वह अत्यधिक गर्म वातावरण में अभ्यास करने के कारण ग्लाइकोलाइटिक की कमी होना तथा रक्त का संचरण संकुचित मांसपेशियों तक पर्याप्त न पहुंच पाना या मिनरल्स जैसे पोटेशियम तथा मैग्नीशियम और मांसपेशियों में कमी आ जाना और ऑक्सीजन सही ढंग से न पहुंच पाना ही आपका मसल्स क्रैम्प का कारण होता है। नेक्स्ट है, शारीरिक अभ्यास करते समय अचानक पेट के ऊपरी भाग में दर्द होना या पेट की मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाना क्या कहलाता है? तो अचानक से तीखा दर्द आए, मांसपेशी पीड़ा शब्द आए या दर्द सहित कार्य शब्द आए तो मसल सोरनेस होगा, और अचानक से पेट के जहाँ डायफ्राम शब्द करेगा या पेट के ऊपरी भाग में दर्द की बात करेगा तो उससे हम कहते हैं स्टेज। ठीक, नेक्स्ट है, बार बार अभ्यास के कारण यानी कि ओवर यूज के कारण टेंडन के तंतुओं में सूजन, सख्त और छोटापन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेंडन आइटिस। नेक्स्ट है, जोड़ के तरल पदार्थ, जैसा कि आप जानते हैं कि दो हड्डियों को जोड़ने वाले को लिगामेंट कहते हैं, तो जोड़ों के तरल पदार्थ वाले क्षेत्र की मांसपेशियों में सूजन व दर्द संबंधी चोट को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साइनोवाइटिस। नेक्स्ट है, खेलों में टेंडनाइटिस नामक चोट सबसे अधिक किस टेंडन में होती है? तो दोस्तों, जो हमारे एड़ी के पास टेंडन होती है एचिलिस टेंडन, उसी में सबसे ज्यादा टेंडनाइटिस होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है, जोड़ के पास लिगामेंट के अपनी एक अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्प्रेन। इसको मैंने कई बार समझा दिया है, स्प्रेन। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन, तो टेंडन या मांसपेशी के चोट में को बोलेंगे स्ट्रेन यानी खिंचाव, और जोड़ के पास लिगामेंट के चोट को अधिकतम सीमा से अधिक खींचने को कहेंगे स्प्रेन यानी कि मोच। नेक्स्ट है, मांसपेशी व टेंडन के अपनी अधिकतम सीमा से अधिक खींच जाने को कौन सा चोट कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्ट्रेन। मांसपेशी टेंडन के अधिकतम सीमा से अधिक खींचने की बात कहे तो स्ट्रेन, लिगामेंट के अधिकतम सीमा से अधिक खींचने की बात कहे तो स्प्रेन। नेक्स्ट है, चौथा लंबर वर्टिब्रा के पांचवें लंबर वर्टिब्रा पर या पांचवें लंबर वर्टिब्रा के पहले सैक्रल वर्टिब्रा पर स्लिप करने को कौन सी इंजरी कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्पोंडिलोलिस्थेसिस स्पोंडिलाइसिस। नेक्स्ट है, बाहरी जोरदार प्रहार के मांसपेशियों और त्वचा के बीच रक्त इकट्ठा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हेमाटोमा बोलते हैं। नेक्स्ट है, जोड़ के पास टेंडन और साइनोवियल क्षेत्र तरल पदार्थ में सूजन आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जहां जोड़ के पास टेंडन और साइनोवियल दोनों चीज दिया रहेगा तो वहां टेनोसाइनोवाइटिस हो जाएगा, टेनोसाइनोवाइटिस। नेक्स्ट है, गर्दन की मेरुरज्जु यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है में डिस्क के खिसकने अथवा दर्द होने की चोट को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्पोंडिलो यानी गर्दन की मेरुदंड में डिस्क के खिसकने अथवा दर्द होने की चोट को क्या कहते हैं? सर्वाइकल स्पेंडिलाइसिस। ठीक है, सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस बोला जाता है मेरुरज्जु के डिस्क को खिसकने और दर्द होने के चोट को। नेक्स्ट है, कमर के दर्द को किस नाम से जाना जाता है? तो बैक एक के नाम से जाना जाता है कमर के दर्द को।
नेक्स्ट है किसी खिलाड़ी के क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी में कॉन्ट्यूजन हो जाए तो उसे वैज्ञानिक तौर पर क्या बोला जाता है। क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी जो हमारे जांग के ऊपर की तरफ होता है घुटने के ऊपर और बाहर इस पर आपका होता है बाहर की तरफ क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो चार पेशियों से मिलकर बना होता है, रेक्टस फीमरिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस, इस सब से मिलकर बना होता है क्वाड्रिसेप्स मसल्स। जिसमें कॉन्ट्यूजन हो जाए तो उसे बोला जाता है चार्ली हॉर्स। नेक्स्ट है जब घुटने का फ्लेक्सन मूवमेंट अवरुद्ध हो जाए तो इस चोट को क्या कहेंगे, तो उसको बोला जाता है मायोसाइटिस। नेक्स्ट है एड़ी के नीचे की मांसपेशी के टूटने के कारण उसमें तरल पदार्थ जम जाए तो इसे चोट को क्या कहते हैं, तो इस चोट को कहते हैं ब्रुसाइटिस। नेक्स्ट है मेटाटार्सल में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने का क्या कहते हैं, तो मेटाटार्सल में अगर मेटाटार्सल हड्डी में जो हमारे पैर के में पाया जाता है तो मेटाटार्सल हड्डी में यदि स्ट्रेस फ्रैक्चर आए तो उसे कहा जाता है मार्स फ्रैक्चर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। और स्पोर्ट्स मेडिसिन के हर एक पार्ट के बारे में थ्योरी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी शारीरिक चिकित्सा वाले प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप वहां पे पढ़िए। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।